वेलकम बैक टू चैनल और इस वीडियो में हम बात करेंगे मल्टीप्लीकेशन के बारे में टू डिजिट नंबर इसको हम डिटेल में समझेंगे तो प्लीज इस वीडियो को लास्ट तक देखना क्योंकि आपको इस वीडियो में पूरी मल्टीप्लीकेशन कैसे होती है आपको डिटेल में समझ में आ जाएगी तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं सबसे पहले दो का पहाड़ा हम छ में पढ़ेंगे दो छंगा बारह बारह का हम दो लिखेंगे और एक हमारे पास हासिल चला जाएगा फिर दो का पहाड़ा हम पांच बार पढ़ेंगे दो पंजे दस दस और एक ग्यारह लिखते वक्त आपको एक बात का ध्यान रखना होगा कि पहले आपको यहाँ पर गुणा का चिन्ह लगाना होगा तो अब इसके बाद आप पढ़ना ये पता है अक्सर बच्चे गलती कर देते हैं बहुत से बच्चे क्या करते हैं वो डायरेक्टली क्वेश्चन को कर देते हैं बिना गुणा का साइन लगाए बिना तो चलिए आगे करते हैं चार छंग चौबीस चौबीस का हम लिखेंगे यहाँ पर चार और दो चला जाएगा हमारे पास हासिल उसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं ठीक है ताकि भूले ना चार पंजे बीस बीस और दो बाईस तो बाईस को हम यहाँ पर लिख देंगे ध्यान रखना डिजिट के नीचे डिजिट आनी चाहिए इस डिजिट के नीचे इस डिजिट आनी चाहिए ऐसा नहीं है कि हम मिक्स करके लिख सकते हैं नहीं फिर हमारा क्वेश्चन गलत हो सकता है अब हम नेक्स्ट स्टेप में इन सबको जोड़ देंगे मतलब ऐड करना दो का हम दो लिख देंगे चार और एक पांच, दो और एक तीन। दो का हम दो लिख देंगे तो हमारे पास उत्तर आएगा दो हजार तीन सौ बावन जिस प्रकार से हमने ये प्रश्न किया है इसी प्रकार से ये प्रश्न भी हो जाएगा रूल को फॉलो करते हुए आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करना और कमेंट सेक्शन में आंसर बताना थैंक यू